हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश अड्डा के इस नए सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। माय डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने नाउन्स के रिगार्डिंग अलग अलग हेडिंग्स देखी थी, फिर भले ही उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग हो, उसके टाइप्स के रिगार्डिंग हो, आज हम लोग यहाँ पर आर्टिकल्स के ज्यादातर जो उसकी यूजेज हैं उनकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द यूजेज ऑफ आर्टिकल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको ये समझा दूँ आर्टिकल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं या उनकी कुछ अपने जो भी फीचर्स हैं वो क्या है। ऑलराइट, अब देखिए प्राइमरीली जो आर्टिकल्स होते हैं ना, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ऑलराइट, उनका इस्तेमाल होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अक्सर। ऑलराइट, अच्छा अब देखा जाए तो कुछ उनके हम लोग उनके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी देखें। तो देखो मेनली जो पहला पॉइंट है वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ऑलराइट, यानी कि जो आर्टिकल के टाइप होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, और ये दो टाइप कौन से हैं? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। मैं जानता हूं आप में से कई लोग शायद ये सोचते होंगे कि शायद ही आर्टिकल के तीन टाइप होते हैं, ए, एन और द, लेकिन नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं, दे आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अच्छा, अब अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट है तो एग्जैक्टली कौन सा क्या है एग्जैक्टली? अब देखा जाए देखो जब द की बात करते हैं ना, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, द को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्यों? अब ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज फॉर स्पेसिफिकेशन। किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, तो अगर द हो गया डेफिनेट आर्टिकल तो इनडेफिनेट आर्टिकल किसको बोलेंगे भाई? अब देखो जहां तक बात है इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो ए और एन जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ऑलराइट, सो ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा भाई, अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है? तो देखो भाई, जिनको भी ये डाउट है कि ए या फिर एन इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है, वो पॉइंट इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं जबकि द स्पेसिफाई करता था। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं ए की। देखो जहां तक बात है, ए को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड या फिर व्यंजन ध्वनि के पहले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लो भाई। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास, अ बॉटल, a university, etc. तो जब भी व्यंजन ध्वनि आती है या कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास, अ बॉटल, अ यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट एन के बारे में। देखो जो एन होता है ना, एन इज यूज बिफोर अ वॉवल साउंड। तो जब भी हम वॉवल साउंड की बात करते हैं या जब भी हम स्वर ध्वनि की बात करते हैं तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एमएलए। ऑलराइट, अब देखो जब मैं एमएलए बोल रहा हूं तो यहां पर जो साउंड है वो वॉवल का पहले आ रहा है, तो इसीलिए वॉवल साउंड के पहले जो है हम लोग एन लगाते हैं। सो एन एमएलए, या फिर देखा जाए तो एन अम्ब्रेला, एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोनंसिएशन की। देखो जो द होता है ना, इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो थोड़ा सा वैरी करता है कभी कभी। जैसे कि मान लो अगर कभी भी वॉवल साउंड के पहले हम लोग टी एच ई द को यूज करेंगे तो उसका जो प्रोनंसिएशन होगा वो होगा दी। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, दी एल्प्स। ठीक है, आप देखो जो एल्प है ये एक पहाड़ी श्रृंखला है यूरोप में। ऑलराइट, सो दी एल्प्स क्यों? क्योंकि एल्प में देखो ए क्या है, ये एक वॉवल है, तो वॉवल साउंड के पहले हम लोग टी एच ई द को दी प्रोनाउंस करते हैं। लिखेंगे टी एच ई ही, बस प्रोनाउंस करेंगे दी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दी एल्प्स। अच्छा, लेकिन जब बात कॉन्सोनेंट की होती है और जब भी व्यंजन ध्वनि होने वाला है तो व्यंजन ध्वनि के पहले हम लोग टी एच ई को द ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज। हम सभी जानते हैं कि हिमालयाज जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की श्रृंखला है और हमारे देश में ही रिलेटेड है। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। आई होप कि ये दो पॉइंट्स थे ये आपको समझ में आए। अब देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग। देखो जो अगली हेडिंग है वो है ए के यूजेज के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट। जो पहला पॉइंट है, बिफोर अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, यानी कि जब भी कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है तो उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट, अ टीचर, अ प्लेयर, अ हाउस, एक्सेट्रा। देखो ये सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग लगा लेते हैं भाई।
अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं, बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ वन, यानी कि कोई भी ऐसा यूनिट जिससे कि हम लोग कुछ नाप सकते हैं उसके पहले हम इसको लगाते हैं जब भी हम वन की वैल्यू शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं अ किलोमीटर, इसका मतलब होता है वन किलोमीटर। अगर हम बोलते हैं अ किलोग्राम, इसका मतलब होता है वन किलोग्राम। इन द सेम सेंस अगर हम बोलते हैं अ माइल, इसका मतलब होता है एक माइल। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। देखो अगला पॉइंट ये है कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन, यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे अगर आप ए को लगा रहे हैं तो वो बेसिकली उसको कॉमन नाउन बनाने के लिए होता है, क्योंकि आमतौर पर हम आर्टिकल्स अवॉइड करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले आप लोग वहां पर ए लगा देते हो तो उससे वो कॉमन नाउन हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहा होगा, ही इज अ मॉडर्न डे गांधी। ऑलराइट, अगर देखा जाए तो देखो ही इज अ मॉडर्न डे गांधी, तो यहां पर एग्जैक्टली हमने गांधी के आगे तो अ नहीं लगाया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? ही इज अ गांधी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल के। सो ही इज अ गांधी मतलब वो जो है वो गांधी के प्रिंसिपल्स को आज भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको बोलते हैं कि ही इज अ मॉडर्न डे गांधी तो ये तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हो कि ही इज अ गांधी, यानी कि वो प्रॉपर नाउन के पहले अ लगाकर गांधी को जो है कॉमन नाउन बनाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि इसके जो क्वालिटीज है वो बहुत सारी गांधी की जैसी है। आई होप कि ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आया है यहाँ पर। अच्छा, अब देखो एक और अ की खासियत यह है कि एक्सक्लेमेशन के सेंस में भी अ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ शॉट, भाई सचिन तेंदुलकर तो भाई शॉटों के सम्राट थे ही, खास करके जो स्ट्रेट ड्राइव है दैट शुड बी रीनेम्ड एज सचिन तेंदुलकर ड्राइव, बिकॉज वो इतने परफेक्शन से स्ट्रेट ड्राइव मारते थे, ये आप सभी को पता ही है। सो खैर, इसीलिए सो व्हाट अ शॉट या फिर व्हाट अ गेम, व्हाट अ मैच। ऑलराइट, तो बेसिकली जब भी हम एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ए लगा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन एग्जामिनेशन। आई होप कि आप लोग जरूर ऐसा कह पाओ आपका एग्जाम इतना अच्छा हो सके। ऑलराइट, सो यूजेज ऑफ एन देख लेते हैं आप कि भाई जब ए का यूजेज हो गया है तो एन के साथ क्यों हम लोग जाति बरते, तो उसका भी यूजेज देख लेते हैं। अब देखिए जो अगली हेडिंग है यूजेज ऑफ एन, इसका जो देखो भाई पहला पॉइंट है वो ये है कि बिफोर अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये भी लगा सकते हैं आप यहां पर, लेकिन हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवल। तो ऐसा काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो कि वॉवल से स्टार्ट कर रहा हो उसके आगे हम लोग एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एग। ऑलराइट भाई, जो एग है ये तो एक काउंटेबल ही है ना, लेकिन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग बोलते हैं एन एग। इन द सेम सेंस एन ऑरेंज। ऑलराइट, ऑरेंज जो है ये भी तो एक सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए एन ऑरेंज। तो उम्मीद करता हूं ये जो पहला पॉइंट था ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ साइलेंट एच, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि एक साइलेंट एच से स्टार्ट होता हो उसके आगे भी हम लोग एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन, और यू कैन से एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, और यू कैन ऑल्सो से एन आर। ऑलराइट, अब देखो अल्टीमेटली भाई एन आर जबकि एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रोनंसिएशन है वो उसमें तो एच साइलेंट है ना, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एन आर। आपको घड़ी भी दिख रही होगी सामने। ऑलराइट, सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। आई होप कि ये जो पॉइंट था ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं अगला पॉइंट यहां पर एन के रिगार्डिंग। तो देखो भाई, एन को जो है हम किसी डेजिग्नेशन या क्वालिफिकेशन के पहले भी यूज करते हैं जो कि शॉर्ट में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी सेड ओवर हियर, बिफोर अ डेजिग्नेशन और अ क्वालिफिकेशन इन शॉर्ट दैट बिगिंस विद। अब लेकिन देखो भाई, अभी मैंने कहा ना आपको कि डेजिग्नेशन या फिर जो किसी का डेजिग्नेशन हो, या मान लीजिए जो भी किसी की एजुकेशन के सेंस में हो, तो भाई वो बेसिकली हम लोग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट में, और साथ ही में ये जो होना चाहिए दैट शुड स्टार्ट विद एफ ई एच आई एम एन आर एस एंड एक्स, यानी कि वो जो डेजिग्नेशन है ना दैट शुड स्टार्ट विद ये जो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो इन पर्टिकुलर लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए, तभी उसको हम वहां पर ऐसे लगा सकेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आप जान कह सकते हो भाई एन एमएलए है ना, एन एमएलए जब हम बोल रहे हैं, देखो भाई एम से स्टार्ट हुआ, राइट, वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए एन एमएलए। इन द सेम सेंस एन एलएलबी, आपको सामने अक्षय कुमार दिख भी रहे होंगे भाई,
हाल ही में जॉली एलएलबी का जो सेकंड वर्जन है उसमें आपको दिखेंगे अक्षय कुमार, तो उन्हीं को हमने यहाँ पर लगाया भी आपके सामने। सो एन एल एल बी, ठीक है भाई। तो जब भी वॉवल साउंड आएगा प्राइमरली डिजिग्नेशन के पहले शॉर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग वहां पर एन लगाते हैं। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो से एन एम बी ए। आई होप कि ये जो पॉइंट था ये भी आपको समझ में आया, बिकॉज आपका समझना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके यूजेज के बारे में, क्योंकि भाई अब हमने ए का यूजेज देख लिया है, एन का यूजेज देख लिया है, तो अब हमारी बारी है कि हम लोग जो द का यूजेज है वो भी देख लेते हैं भाई। ऑलराइट, अच्छा भाई, अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यूनिक थिंग्स इन यूनिवर्स, जो भी ब्रह्मांड के जो यूनिक थिंग्स होती हैं, जो भी यूनिक चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, उनके आगे हम लोग द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, भाई द सन से ज्यादा अद्भुत चीज क्या हो सकती है। साथ ही में हम लोग जिस पे रहते हैं धरती, दी अर्थ, ऑलराइट। तो जो भी अद्भुत चीजें होती हैं हमारी ब्रह्मांड की, उसके आगे हम लोग द लगाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं द सन, दी अर्थ एक्सेट्रा। आई होप कि ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई, तो जो यहां पर सेकंड पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। फॉर स्पेसिफाइंग, जब भी आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हो या किसी को स्पेसिफाई कर रहे होते हो, तो वहां पर आप द लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मैन आई सॉ। यहां पर आप मैन को जो है देखो स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो ही इज द मैन आई सॉ। So that's the thing. So, जब भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो वहां पर आप द लगाते हैं, and that's why it said he is the man I saw. तो चलो भाई कुछ और पॉइंट देख लेते हैं यहां पर। देखो जो अगला पॉइंट है वो ये है विद द सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की देखो यहां बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं द, इसीलिए बोलते हैं द बेस्ट, द ब्राइटेस्ट एक्सेट्रा। आपको यहाँ सामने जो है दिख भी रहे होंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, ऑलराइट। तो खैर, तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं उसके आगे द लगाते हैं, तो इसलिए बोला हमने द बेस्ट, द ब्राइटेस्ट एक्सेट्रा। आई होप कि ये जो पॉइंट्स थे ये आपको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर। अब देखो भाई, जो अगला पॉइंट है वो आपके सामने होगा ही, और देखो ये जो पॉइंट है वो ये है कि बिफोर ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी कि जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हो गए, ऑलराइट, द हिमालयाज, द एल्प्स, या फिर अगर नदियों की बात करें द गैंजेस हो जाता है, या फिर मान लो नदियां हो गई, समंदर हो गए द अरेबियन सी, साथ ही में जो महासागर है ओशन है एन इंडियन ओशन द इंडियन ओशन ज्यादा, या फिर द पैसिफिक ओशन, ऑलराइट। तो ये जो भी है, तो ओशंस के आगे, रिवर्स के आगे जो है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल की बात करते हैं, द दूध सागर फॉल्स बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, द नायग्रा फॉल्स, ऑलराइट। तो जो भी भौगोलिक, जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होती हैं, जिस प्रकार की भी क्यों ना हो, इसके आगे हम लोग द लगाते हैं। इसके अलावा देखो हम लोग अगली बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, ऑलराइट। तो इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है भाई उनके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। साथ ही में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आप लोग जानते ही हो, द ताजमहल आपको दिख भी रहा होगा सामने, ऑलराइट, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मैं कह सकते हैं भाई रैंक वन पे था कुछ समय पहले, अगर जब बात हुई थी सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड की, एंड इट वाज द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें, देखो लखनऊ में इमामबाड़ा है, दी इमामबाड़ा हो गया, ऑलराइट। तो यहां पर भाई रेड फोर्ट भी आप कह सकते हो, दिल्ली में रेड फोर्ट है, ऑलराइट, द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन देयर इन मुंबई। तो जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इसके आगे भी आप लोग द लगा सकते हैं। साथ ही में जो मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं उनके आगे भी आप द लगा सकते हो। साथ ही में जो वॉर्स है, द वर्ल्ड वॉर, राइट, द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, जिसमें कि इंडिया बहुत अच्छे से जीत गया था। तो ये भी जो चीजें हैं, जो वॉर्स होती हैं, इनके आगे भी आप लोग द लगाते हैं। आई होप ये जो हेक्टिक सा पॉइंट था ये आपको अच्छे से इजिली समझ में आ गया। अब देखो भाई एग्जाम्पल के तौर पर आपको देख ही सकते हो, द ताजमहल है आपके सामने, द वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखो जो अगली बात हम लोग करेंगे, दैट विल बी ऑफ बिफोर अ डबल कंपैरेटिव। तो जब भी आप एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव लगाते हो, तो उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। आमतौर पर अभी हमने पहले देखा था कि सुपरलेटिव के आगे द लगता है, लेकिन जब भी हम लोग डबल कंपैरेटिव की बात करते हैं तो वहां भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स। देख सकते हो आप, पहाड़ी आपके सामने, पहाड़ की चढ़ाई हो रही है, ऑलराइट, दे आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, सो द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, यानी कि जितना ज्यादा आप ऊंचा चढ़ते जाओगे उतना ज्यादा ठंडक जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो आई होप कि ये जो पॉइंट था ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अब देखो जो अगला पॉइंट है वो ये है, बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। तो भाई ऐसे जो बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि ऐसे विशेषण जो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच हो गया, द पुअर हो गया, द ओल्ड हो गया, द यंग हो गया। आपको एक भाई साहब दिख भी रहे होंगे यंग एंड रिच किस्म के। सो द रिच हो गया, द पुअर हो गया, ऑलराइट। तो जब भी हम लोग एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि एक क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। सो आई होप माई डियर एस्पिरेंट्स दैट ये आज का जो सेशन था यूजेज ऑफ आर्टिकल्स का, ये आपके लिए बहुत यूजफुल था एंड यू लर्न्ड अ लॉट। तो इसी प्रकार से मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग आगे भी सीखते रहोगे और मैं आपको आगे भी सिखाता रहूंगा ऐसे ही इंग्लिश अड्डा के सेशंस में। तो इफ यू वर वीक इन इंग्लिश, तो बस ये समझो कि वो आपका पास्ट था, लेकिन वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर हरगिज नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको इंप्रूव करूंगा इंग्लिश में, और जब आप प्रेजेंट में इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। साथ ही में आई लाइक टू थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर गिविंग अस 2 लाख सब्सक्राइबर्स, और साथ ही में ये जो सिलसिला है ये 20 लाख तक तो जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और फिर उसके आगे भी जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू ओवरऑल एज वेल।